नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सैनी अपने YouTube चैनल स्मार्ट ऑटो कार इंश्योरेंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्विफ्ट गाड़ी में, जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि इसमें कितना एक्सीडेंटल डैमेज है और कितना इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, और बाकी का इंश्योरेंस में बाकी का जो है वो कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या गाड़ी ये टोटल लॉस में चली जाएगी, या फिर गाड़ी को पुनः गाड़ी बन जाएगी, इसमें कस्टमर का कितना अमाउंट भरने को आएगा और इंश्योरेंस कंपनी को कितना पे करेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम डीपली इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे सामने बहुत आते रहते हैं। कस्टमर्स बहुत परेशान होते रहते हैं कि मेरी गाड़ी का क्या होगा, मेरी गाड़ी बनेगी या नहीं बनेगी, या मेरी गाड़ी में कितना खर्चा मेरे को पे करने को आएगा। तो दोस्तों, इनकी इस गाड़ी की पॉलिसी के बारे में हम जान लेते हैं। जिनने भी ये गाड़ी की पॉलिसी कराई है, उन्होंने सबसे पहली चीज़ तो अपनी गाड़ी में रिटर्न टू इनवॉइस नहीं लिया है, और इनकी गाड़ी की आईडी भी बहुत कम आ रही है। जबकि आईडी भी जितनी ज़्यादा रहती है गाड़ी में, उतना अमाउंट कस्टमर को कम करने को आ जाता है, लेकिन इस गाड़ी में जो कस्टमर की जो गाड़ी की जो आईडी भी है वो बहुत कम है। केस एक्सीडेंट लॉस जो है वो मेजर लॉस है, और मेजर लॉस में हमेशा जो इंश्योरेंस जिसकी लाइबिलिटी डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग ही इंश्योरेंस पेमेंट करती है। बाकी को अगर लाइबिलिटी से ज़्यादा जो अमाउंट जाता है वो अमाउंट कस्टमर को पे करना होता है। अभी हम इस्टीमेट को बनाएंगे, हम देखेंगे फिर इसमें कितना क्या खर्चा इसमें एवरेजन बैठ रहा है। तो दोस्तों, मैंने मोटा मोटा गाड़ी का अंदाज़ा लगा लिया है, इसमें लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए के एवरेजन में गाड़ी का खर्चा बैठ रहा है। और अगर हम गाड़ी का इस्टीमेट जो इसकी आईडीवी वैल्यू है उससे अगर ज़्यादा बना देते हैं तो गाड़ी टोटल लॉस हो जाएगी। लेकिन ये गाड़ी ज़्यादा 2 साल पुरानी गाड़ी है ना, और इन्होंने जहाँ से भी इसका बीमा करवाया है उन व्यक्ति ने इसकी आईडीवी को बहुत कम करा है, कम लेवल पे उसको बीमा को करवाया गया है ना। तो इसके लिए सबसे पहले जब भी आप अपनी गाड़ी का बीमा कराएं तो उसमें रिटर्न टू इनवॉइस अवश्य लें। रिटर्न टू इनवॉइस लेने से आपकी गाड़ी की एक्चुअल जो वैल्यू है, जो आईडीवी पे जो पॉलिसी पे जो वैल्यू है उससे ज़्यादा आपको मिल जाती है। तो जबकि आपकी गाड़ी अगर रिटर्न टू इनवॉइस है, और चाहे आपने 2018 में परचेज़ करी हो, 2019 में परचेज़ करी हो, अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा डैमेज है तो फिर आपकी गाड़ी की जो आईडीवी वैल्यू है वो आपकी रिटर्न टू इनवॉइस वैल्यू उसको बढ़ा देती है, और एक्स शोरूम प्राइस के बराबर उसकी वैल्यू को कर देती है। तो दोस्तों, इस आगे से जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं तो उसमें रिटर्न टू इनवॉइस अवश्य करा लें। रिटर्न टू इनवॉइस कराने से आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है वो एक्स शोरूम वैल्यू के बराबर हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई गाड़ी ख़रीदी है या स्विफ्ट गाड़ी ख़रीदी है, उसकी वैल्यू आ रही है 7 लाख रुपये, एक्स शोरूम प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस जो 7 लाख रुपये हैं, हम अपनी पॉलिसी में रिटर्न टू इनवॉइस अगर हम अपनी पॉलिसी में एड ऑन करा लेते हैं तो अपनी गाड़ी की जो 2 साल बाद अगर एक्सीडेंट हो जाए या इतनी गाड़ी डैमेज हो जाए कि उसमें लगभग अपनी गाड़ी की टोटल लॉस वैल्यू के बराबर उसमें एक्सीडेंट में हो जाए, तो आपकी रिटर्न टू इनवॉइस फिर आपको गाड़ी को वहाँ पर कवर करती है। यानी कि आपकी आईडीवी जो आपकी प्रीन पॉलिसी पे जो वैल्यू है वो 4 लाख रुपए है, और आपकी जो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो फिर आपको जो रिटर्न टू इनवॉइस की वजह से अपनी गाड़ी की जो वैल्यू है वो लगभग 7 से 8 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट ऑटो कार इंश्योरेंस से, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो भी इंश्योरेंस का फ़ायदा ले पाएँ।